Hello friends, welcome to my channel. आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर. Today we are going to see अपना न्यू प्लांट जेरेनियम या क्रेन बिल्स भी बोलते हैं इसको. पीच कलर वाले तो खत्म हो गए हैं, उसके ऊपर फ्लावर्स नहीं है, लेकिन पिंक फ्लावर्स काफी अच्छे लग रहे देखने में. इसका जो बंच है ये बहुत ही सुंदर लग रहा है क्योंकि बहुत सारे फूल हैं इसमें. ये इसका फ्लोरल फॉर्मेशन है. मिडिल पार्ट इसका स्टिग्मेटा हैगा ऑरेंज कलर में और 5 पेटल्स हैं इसके. काफी सुंदर लग रहे हैं फूल इसके, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत. ये वेरी ब्यूटीफुल. कुछ फ्लावर्स इसमें खराब भी हो गए हैं बंच में. लेकिन जितने भी हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में. सो प्रिटी. जेरेनियम में काफी सारी वैरायटीज हैं. मैंने एक और देखी है नहीं. इसकी जो लीव्स होती है उसका खुशबू काफी अच्छी होती है और अगर हाथ पे लग जाए तो काफी देर तक इसकी खुशबू नहीं जाती हाथ से. अरोमा काफी तेज है इसका. आई थिंक यही इसकी पहचान है कि बहुत सुंदर है ये. मैं कोशिश करूंगा वाइट की फ्लावर्स आ रखे हैं उसके ऊपर भी काफी सारे, मैं तो आपके संग वो शेयर करूंगा. ऑरेंज वाले के तो खत्म हो गए फ्लावर्स. बाकी मैंने पर्पल का बना रखा है, वो भी मैं शेयर करूंगा आपके साथ. बेहद खूबसूरत है. ये पंच देखिए कितना सुंदर है. जब ये पूरा फूलों से भर जाता है एकदम तो काफी अच्छा लगता है देखने में. कुछ फ्लावर्स ऐसे सूख भी गए हैं ना. Wow, just look at that, how pretty it is. ये देखो जी, बीच का पार्ट कितना सुंदर लगता है देखने में पास से. ये फ्रेश आएगा एकदम, रेड ऑरेंजिस आएगा बीच का. छोटे छोटे फ्लोरल पार्ट्स के साथ भी टूट रखी है, मुरझाई भी नीचे को. बहुत सारी कलियां लटक रही हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, आप देख सकते हो. पूरा एक बंच ऐसे भरा हुआ है कलियों से, बहुत सुंदर. ये प्लांट मुझे सबसे बढ़िया लगा क्योंकि इसमें बहुत तरह की कलर्स हैं और वैरायटीज भी बहुत हैं इसमें. ऑरेंज है, रेड है, पर्पल है, लाइट पिंक है, डार्क पिंक है, वाइट है. और एक बार ये हो जाए प्लांट तो फिर इसकी टेक केयर भी बड़ी आसानी से हो जाती है. अगर आप इसको अच्छे से टेक केयर करते रहेंगे तो ये बहुत बढ़िया प्लांट हो जाता है.
जी मैं वाइट की बात कर रहा था, देखिए इसमें ये है बॉन्साई में, तो प्लांट इसका छोटा ही रहेगा, काफ़ी बड़ा नहीं होगा। छोटे प्लांट में काफ़ी अच्छे फूल निकलाते हैं। इसमें मेरे पास पीच कलर में है, ये वाइट में है, पिंक में है, क्योंकि देखिए ये है वाइट में, ये अभी भी खिला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, वरना सूखने के बाद में ये कुछ इस तरह से लगता है बंच सा। मेरा प्लांट काफ़ी ओल्ड है तो इसमें बहुत सारे वो निकल रखे होंगे फ्लावर्स बंच में, ये वाला काफ़ी ओल्ड प्लांट है, जिस सूखने के बाद में कुछ ऐसा हो जाता है। ये वाला बंच मेरा टूट गया था तो मुझे इसको ऐसे ही लगाना पड़ा। देखिए आप कितना बड़ा प्लांट हो गया ये। और बहुत भरा हुआ है, काफ़ी अच्छे से फिल हो रखा है, देखने में बहुत सुंदर लगता था। अभी वाइट वाइट फ्लावर्स को देखो तो कितने प्यारे हैं। स्टार के जैसा है ये तो अंदर से। यस नाउ लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल एंड सो प्रिटी फ्लावर्स मेक अप द बंच हियर, लुक्स वेरी नाइस। गॉट लाइक 5 or 6 बंचेस हियर, फ्यू गॉट ड्राई, कैन टेल यू देयर्स अ लॉट ऑफ बंच ऑफ बटरफ्लाइज कमिंग एवरी डे हियर। It's so nice to see them. Some of them have given a few caterpillars. They've been eating my plants. I have to see what to do with them. You can see it looks very nice. This is a bigger plant. As you can see from its stem, it's really big. See? Very big. ये देखिए गाइस ये है पिंक में, पिंक बंच है इसका, बहुत सुंदर फ्लावर है ये, काफी कलर वैरायटीज काफी मिल जाती है जर्मनी में। शाम के टाइम काफ़ी धूप होती है, इसको पानी ज़्यादा पसंद नहीं है और धूप भी अच्छी लगती है। जेरेनियम धूप में मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी होती है। ओके विद दैट वी कम टू एन एंड। हम लोग सोच रहे होंगे यार ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, प्लीज़ एंजॉय करें और कोशिश करें लास्ट तक देखने की, साथ बनाए रखें गाइस। थैंक यू सो मच। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।